नमस्कार, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, या जो 100 वाट का बल्ब होता है, या देखिए ख़राब हो चुका है, तो हम इसे 12 वोल्ट के बैटरी से जलने के लिए कैसे हम इसे बना सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, देखिए यह बल्ब होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस बल्ब में या तो हम नाइट्रोजन गैस भरें या तो हम इसमें से पूरा हवा निकाल दें। ठीक, तो मैंने इसका प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया था कि उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं था, उसमें हवा निकाला हुआ था। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वह वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ऑल इन वन चैनल। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुँच सके। अब मैं देखिए इसमें आपको मैं थ्योरी बताऊँगा, और अगला मैं वीडियो इसका बनाऊँगा, उसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके उसे मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें इसका ऊपर का जो होल्डर होता है इसे हम निकाल देंगे, और इसमें से हम इसका गैस निकाल देंगे। या अगर गैस होगा, नाइट्रोजन गैस होगा तब भी निकल जाएगा, और अगर हवा नहीं होगा तो इसमें हवा भर जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो एलिमेंट होता है फिलामेंट, देखिए इसमें से हम थोड़ा सा अपना टुकड़ा जितना हमें अंदाज करके लेना है कि हम उसे 12 वोल्ट से हम सप्लाई से जला सकते हैं। ठीक, इसी में देखिए फिलामेंट होता है, जो इसका स्प्रिंग होता है एलिमेंट, उसी को हम थोड़ा सा टुकड़ा लेकर और दो कॉपर वायर में उसे हम सेट करके और इसमें हम डाल देंगे, और उसके बाद इसे हम गर्म करेंगे। आप गैस से गर्म कर सकते हैं, मोमबत्ती से गर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि यह अगर हम हवा को गर्म करेंगे तो वह हवा हमेशा ऊपर उठता है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा वह जो बड़ा बलून होता है उसके नीचे गैस जलता है, तो वह जब गर्म गैस जब गर्म हवा को गर्म करता है, जो उसमें आग जलता है, वह हवा को गर्म करता है तो वह ऊपर उठ जाता है, उड़ने लगता है। ठीक, तो इसी को हम इसे गर्म करेंगे। जैसे गर्म कैसे करेंगे, किसी हम गैस पर रख देंगे धीमी आँच पर, या नीचे मोमबत्ती जला देंगे, उस पर हम एक होल्डर बनाकर उस पर रख देंगे जिससे यह गर्म हो जाए। इतना गर्म हम इसे करेंगे कि इसमें से पूरा हवा बाहर निकल जाए। ठीक, समझ में आ गया। जब इसमें से पूरा हवा बाहर निकल जाएगा तो उसी समय हम इसमें एमसील जो होता है, या हम एमसील से ही यह बढ़िया पैक होगा, क्योंकि जिस समय इसमें से हमने, मान लीजिए इसे हमने 10 मिनट गर्म कर दिया, 10 मिनट गर्म करने के बाद में इसमें से पूरा हवा गर्म होकर बाहर निकल जाएगा, और उसी समय हम इसके ऊपर एमसील लगा देंगे। एमसील लगा कर और इसे हम एक दिन के लिए रख देंगे, जिससे एमसील पूरा टाइट हो जाए, कहीं से क्रेक ना हो। आपके पास अगर और कोई जुगाड़ हो तो आप उससे भी इसे पैक कर सकते हैं, और उसके बाद हम दूसरे दिन इसे जलाएँगे तो ये हमारा बल्ब जलेगा। क्योंकि देखिए, अगर इसका जो फिलामेंट होता है, अगर इसे हम डायरेक्ट हवा में जलाएंगे तो यह तुरंत जल जाएगा। इसे जलने के लिए वह जलकर ख़राब हो जाएगा, और इसे बढ़िया से जलने के लिए जिससे यह रोशनी दे, तो उसके लिए इसमें या तो हम नाइट्रोजन गैस भरें या तो हम इसमें से पूरा हवा निकाल दें, मतलब यह बिना ऑक्सीजन का इसे हम जलाएंगे तो वह जलेगा। तो उसके बाद हम अपना अंदाजा लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने थोड़ा बड़ा फिलामेंट ले लिया है तो हो सकता है 12 वोल्ट से ना 24 वोल्ट से जले, तो हम दूसरा बल्ब बनाएंगे उससे हम थोड़ा छोटा लेंगे फिलामेंट, उससे हमें अंदाज लग जाएगा अपना। ठीक, जैसे हम समझ जाएंगे कि कितना बड़ा हम फिलामेंट लें उससे हमारा यह जले, तो हम उससे जला देंगे। समझ में आ गया। तो आप लोग अगर इसका दूसरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, तो मैं आपको यह प्रैक्टिकली करके यह वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। चैनल का नाम है ऑल इन वन चैनल। नमस्कार।